नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कैसा मिल सकता है, आपको क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी इवन नंबर्स ऑफ कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट्स ये आपको डिजिट्स दिए हुए, ठीक है। आपको क्वेश्चन बोला है कि हम कितने चार डिजिट के इवन नंबर्स बना सकते हैं, ठीक है, ये सारे डिजिट यूज करके, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो मुझे करना क्या है, बेसिकली फोर डिजिट का इवन नंबर बनाना है, लेकिन अब यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, क्या इवन नंबर होना चाहिए, चार डिजिट का नंबर। अगर मेरे को सिंपली चार डिजिट का नंबर बोल दे तो मेरे पास 5, 7, 9, 1, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः ऑप्शन है, तो 6, 5, 4, 3 ऐसे लिख देता हूँ, 6 × 5 × 4 × 3। लेकिन अब मेरे को इवन नंबर बोल दिया, अब इवन नंबर क्या होता है पहले मुझे ये मालूम होना चाहिए, इवन नंबर क्या है, एनी नंबर डिविजिबल बाय टू उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। अच्छा अब इवन नंबर को हम पहचानते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए 5, 7, 1, 1, 2 ये इवन है ऑड है, ये इवन है ऑड है, कैसे पता, करेक्ट। हम क्या करते हैं कि इवन नंबर के लिए सिर्फ उसका जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसको देखते हैं, अगर वो इवन है तो पूरा नंबर इवन होगा, अगर वो ऑड है तो पूरा नंबर ऑड होगा। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इस प्लेस में इवन नंबर चाहिए, बाकी इवन है ऑड है मेरे को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास कितने इवन नंबर्स हैं, सिर्फ दो, मतलब मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं यहाँ पे फिल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, मान लीजिए मैंने 6 और 8 में से एक नंबर फिल कर दिया, अब मेरे पास कितने नंबर बचे, 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि अब मैं कोई भी नंबर भर सकता हूँ, अब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इवन भरो ऑड भरो, भाई यहाँ पे देखो इवन ऑड कुछ भी भरो, लास्ट डिजिट बस डिसाइड करता है इवन है कि ऑड है। हाउ मेनी नंबर्स, 5, यहाँ पे 5 ऑप्शन आ गए, देन 4 ऑप्शन आ गए, देन 3 ऑप्शन आ गए, आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, हाँ 120 चार डिजिट के नंबर हम बना सकते हैं, 3, 4, 12, 12, 5, 60, 60 × 2, 120 है ना, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 120 इवन नंबर्स बना सकते हो, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 5000 ऑफ फोर डिजिट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 4, 5 एंड 7, ठीक है, ये आपको बोला हुआ है। मैं कितने डिजिट, कितने चार डिजिट के नंबर बना सकता हूँ जो 5000 से बड़े हैं लेकिन चार डिजिट के हैं, इनको यूज करके। अब देखो 5000 से बड़ा नंबर चाहिए, अब क्या ये 5000 से बड़ा है, क्या ये 5000 से बड़ा है, ये 5000 से बड़ा है, अच्छा क्या फिर 3, 9, 2, 7 ये 5000 से बड़ा है, कैसे पता चल रहा हमें 5000 से बड़ा है या छोटा है, उसका जो फर्स्ट नंबर है ये 5 या 5 से बड़ा नंबर होगा तो 5000 से बड़ा होगा, अगर उससे छोटा हुआ तो नहीं होगा, है ना, इतना समझ में आ गया। देखो 5000 का मतलब है अगर मैं 4999 भी लिखता हूं तो ये 5000 से छोटा हो गया, है ना, दैट मीन्स मुझे इस फर्स्ट प्लेस में मुझे क्या करना है, चार डिजिट का नंबर बनाना है सबसे पहले, तो मैं चार प्लेसेस बनाता हूं। अब इन चार प्लेसेस में मैं क्या करूंगा, मुझे इस पोजीशन में या तो 5 चाहिए या तो 5 से बड़ा नंबर चाहिए। अब यहां पे 5 या 5 से बड़े डिजिट्स कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं, या तो 5 या तो 7।
अब देखो यहाँ पे मैं कुछ भी डिजिट भर सकता हूँ, है ना। मान लो मैंने इसको भर दिया तो मेरे पास 1 2 3 4 चार ऑप्शन है यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो हम फिर उसके केसेस अलग से निकालते हैं। अभी हम देख लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 4 × 3 × 2, 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 48। तो हम 48 नंबर्स बना सकते हैं जो 5000 से बड़े हैं इन डिजिट्स को यूज करके। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर यहाँ पे बोला होता रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, हमें अगर यहाँ पे बोला होता रिपीटेशन इज अलाउड तो हम क्या करते। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में तो वही दो में से कोई एक ऑप्शन आएगा, या तो 5 आएगा या तो 7 आएगा, है ना। हमको 1, 2, 4, 5 और 7 आपको ये 5 अलग अलग डिजिट्स दिए हुए हैं, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 5000 से बड़ा नंबर चाहिए। 5000 से बड़ा नंबर चाहिए मतलब इन दो में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आ सकता है। लेकिन बिकॉज द रिपीटेशन इज अलाउड, तो हम अगर मान लीजिए मैं इस 5 को यूज करता हूँ, यहाँ पे भर देता हूँ, मैं उस 5 को दोबारा यूज कर सकता हूँ, 5 को दोबारा यूज कर सकता हूँ, है ना। दैट मीन्स अगेन आई हैव 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शंस हियर। मैंने किसी भी नंबर को भरा, मुझे दोबारा 5 ऑप्शन मिलेंगे बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड, अगेन 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो 5 × 5 × 5 इज 125 × 2 = 250। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कितने नंबर बनेंगे, 250। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट है। अब यहां पे हम एक चीज देखेंगे, आपको मैंने फैक्टोरियल तो बता दिया था, है ना। अब मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने बोला कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है और आपके पास डिजिट है 9, 7, 6 और 5। मैंने बोला 9, 7, 6 और 5 से हम कितने 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं, तो मुझे 4 प्लेसेस को फिल करना है। मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 प्लेसेस हैं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ प्लेसेस सेम है, 4 प्लेसेस हैं तो 4 ही ऑब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, विच इज बेसिकली 4 फैक्टोरियल। ये समझ में आया। तो जब कभी भी अगर नंबर ऑफ प्लेसेस एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है तो फिर हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा फैक्टोरियल। इफ एन ऑब्जेक्ट्स एंड एन प्लेसेस, तो नंबर हमारा आंसर क्या आएगा, एन फैक्टोरियल। जो हमारा परमुटेशन आएगा वो क्या आएगा, एन फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया। अब हम इसके बेसिस पे कुछ वर्ड वाले क्वेश्चंस करेंगे। हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपको बोला है हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर। ठीक है ना, हम इस नंबर के लेटर्स को रीअरेंज करके कितने वर्ड बना सकते हैं। तो देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि मुझे अगर कोई वर्ड का रीअरेंज करके नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना है तो जितने लेटर्स दिए हैं उतने उतने ही डिजिट का, मतलब मेरे पास 6 ऑब्जेक्ट है तो मुझे 6 ही प्लेसेस फिल करने हैं। तो इसका आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन में देखो आपको कंडीशन डाल देंगे। कंडीशन आपको क्या डाली हुई है, आपको बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर सच दैट। वर्ड बिगिन विद एन, हम कितने वर्ड बना सकते हैं सच दैट वो जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो, एन से स्टार्ट हो। अब देखो यहां पे एन से स्टार्ट होने के लिए
हम क्या करेंगे, हमारे पास छः ऑप्शन, छः ऑब्जेक्ट्स, छः प्लेसेस पे फिल करने हैं, लेकिन मुझे बोला एन से स्टार्ट होना चाहिए, है ना, एन से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब इस फर्स्ट प्लेस में क्या आना चाहिए, एन, मतलब मेरे को यहाँ पे फिल करने के लिए एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मुझे यहाँ एन के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, मुझे बोला है कि मैं फर्स्ट प्लेस में सिर्फ एन ही भरूंगा और कुछ नहीं भरूंगा, तो आई हैव ओनली वन ऑप्शन इन द फर्स्ट प्लेस, है ना, जैसे मेरे पास नंबर है, इसमें से मैंने एन को तो फर्स्ट प्लेस में भर दिया, अब मेरे पास बाकी कितने लेटर्स बच गए, पांच, अब इन पांच के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इन पांचों में से किसी भी एक को, पांच ऑप्शन यहाँ फिल करने के लिए, चार यहाँ पे, तीन यहाँ पे, दो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो आंसर इज 5 factorial, है ना, इसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं 5 factorial को, विच इज 120, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी में देखो आगे आपको कैसा क्वेश्चन मिल सकता है, आपको बोला है द वर्ड बिगिन विथ एन एंड एंड विथ आर, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था, द वर्ड बिगिन विथ एन, लेकिन यहां पे हमें क्या बोला है, द वर्ड बिगिन विथ एन एंड एन विथ आर, है ना, मतलब मेरे पास ये छह प्लेसेस हैं जिसमें से मुझे फर्स्ट प्लेस में एन भरना है, लास्ट प्लेस में आर भरना है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, सिमिलरली एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, मतलब मैंने एन भी फिल कर दिया, आर भी फिल कर दिया, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, फोर, इन चार में से किसी एक को मैं यहाँ भरूंगा, मतलब आई हैव फोर ऑप्शंस हियर, थ्री ऑप्शंस हियर, टू ऑप्शंस हियर एंड वन ऑप्शन हियर, तो ये आपको कितना मिल गया, 4 factorial विच इज 24, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसी के आगे देखो नेक्स्ट वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन में आपको बोला है कि हम नंबर के लेटर्स को रीअरेंज करके कितने वर्ड बना सकते हैं, सच दैट द वर्ड बिगिन विद एन एंड डज नॉट एंड विद आर। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको बोला है वो एन से स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन आर से खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये उसी क्वेश्चन में नेक्स्ट वेरिएंट है जहां पे आपको बोला है कि इट इज स्टार्टिंग विथ एन बट इट इज नॉट एंडिंग विथ आर, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, हमको फर्स्ट प्लेस में, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है ना, द फर्स्ट मेथड इज मुझे यहाँ पे एन चाहिए, आई हैव ओनली वन ऑप्शन, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया एन यू एम बी ई आर, इसमें मैंने इस एन को तो क्या किया, यहाँ पे भर दिया, अब ऑन द लास्ट प्लेस मैं आर को नहीं भर सकता, मतलब मेरे पास इन चार में से किसी लेटर को भरना है ना, तो मेरे पास फोर ऑप्शंस हैं लास्ट प्लेस में फिल करने के लिए, मान लीजिए मैंने इस यू को भर दिया लास्ट प्लेस में, अब मेरे पास कितने ऑप्शन बचे, अगेन फोर, क्योंकि अब मैं आर को भर सकता हूं, है ना, आर सिर्फ यहां पे भरने के लिए मना किया, बाकी जगह तो भर सकता हूं, तो अगेन आई हैव फोर ऑप्शन, देन आई हैव थ्री ऑप्शन, देन आई हैव टू ऑप्शन एंड देन वन ऑप्शन, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 16 6 96, ठीक है, 96 हमें मिल गया। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी है, वो दूसरा मेथड आप देखिए क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, कभी कभी हमें वो मेथड यूज करना पड़ेगा। आपको यहां पे क्या बोला है कि द वर्ड बिगिन विद एन एंड इट डज नॉट एंड विद आर, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वर्ड बिगिनिंग विद
अब देखो इसी में हमें नेक्स्ट वेरिएंट ऑफ क्वेश्चन मिलेगा, ये तो हमने देखा दूसरा तरीका है ना। अच्छा ये तरीका हमें ध्यान रखना है क्योंकि आगे चल के हमें ये मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो काउंटिंग वाला मेथड है कई बार हम यूज नहीं कर पाएंगे है ना, कुछ सिचुएशन में मतलब यूज नहीं कर पाएंगे, इन द सेंस वो हमें यूज करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम वो दूसरा मेथड, ये जो सब्ट्रैक्शन वाला मेथड है, हम इसको यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको बोला है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर सच दैट द लेटर्स ई एंड आर ऑलवेज टूगेदर। The letters E and R are always together. ठीक है ना, E और R हमेशा साथ में हो। अब आपको देखो क्या बोला यहाँ पे, N U M B E R, ये आपको कोई भी एक वर्ड दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे ये जो E है और R है ये क्या चाहिए, इकट्ठा चाहिए, इकट्ठा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। सपोज मैंने इसको एक नया लेटर X से सब्स्टिट्यूट कर लिया है ना। X मैंने क्यों सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे X नहीं है, मतलब एक ऐसे लेटर से सब्स्टिट्यूट किया जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, कन्फ्यूजन ना हो बोल के। तो मैंने E और R को क्या किया, एक सिंगल लेटर मान लिया, बाकी मेरे पास क्या बच गया, N U M एंड B। बेसिकली मेरे पास 1 2 3 4 5 पांच लेटर बचे है ना, पांच लेटर बचे। अब मैं इन पांच लेटर को रीअरेंज करूंगा, मैं जब इसको रीअरेंज करूंगा ये X जहां भी जाएगा इस X के साथ E और R हमेशा साथ में होगा है ना, E और R हमेशा साथ में, क्योंकि मैंने इस E और R की जगह X सब्स्टिट्यूट किया हुआ है ना। जैसे मान लो मैं E और R को एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, अब मैं उस बॉक्स को जहां भी घुमाऊंगा ये E और R हमेशा इकट्ठा ही घूमेंगे, अलग अलग तो घूमेंगे नहीं है ना। तो मैं इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगर निकालता हूं तो आई हैव 5 ऑब्जेक्ट्स, इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गया 5 फैक्टोरियल। इतना समझ में आया। लेकिन यहां पे ये जो X लेटर है ये एक्चुअली दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन है विच इज E एंड R। अब वो जो दो लेटर्स हैं हम उसको भी आपस में दो फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं है ना। अगर आपको पूछते कि ये E और R को रीअरेंज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो है ना, तो क्या आंसर आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा ना। तो फिर ये E और R को आपस में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि अगर एक इवेंट इतने तरीके से होता है, दूसरा इवेंट n तरीके से होता है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज है m into n, प्रोवाइडेड द इवेंट्स आर डिपेंडेंट। अब देखो ये दोनों टास्क कंप्लीट होंगे तब हमारा वर्ड बनेगा, मतलब ये दोनों इवेंट्स क्या है, डिपेंडेंट है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 240। 5 फैक्टोरियल इज 120 into 2, 240। समझ में आ गया ये, ठीक है ये क्लियर हो गया। इसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बोला है कि द लेटर्स ई एंड आर नेवर टुगेदर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। हम नंबर के लेटर्स को रीअरेंज करके कितने वर्ड बना सकते हैं कि इसमें जो ई और आर है ये कभी भी साथ में ना हो, ठीक है तो इसके कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल है बता सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इज 6 फैक्टोरियल है ना। नंबर के लेटर्स को रीअरेंज करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं, 6 फैक्टोरियल, और इनमें से कितने वर्ड्स हैं जिसमें ई और आर हमेशा साथ में है, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हमने अभी निकाला था है ना, लेकिन हमें चाहिए कि वो साथ में ना हो। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो साथ में है उसको माइनस कर देंगे। व्हाट इज 6 फैक्टोरियल, 720, एंड व्हाट इज 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अभी निकाला था हमने, 240। तो हम इसको जब माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8480, ये हमारा आंसर है ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन है ठीक है। अच्छा मैंने आपको बोला था कि नॉर्मली हम क्वेश्चन में कभी भी क्या मान के चलेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना, अदरवाइज अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्वेश्चन में जनरली मेंशन करते हैं है ना। अगर मेंशन नहीं किया है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम उसको नॉट अलाउड मान के चलते हैं, उसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं
है ना। उसमें से एक एक्सेप्शन है, जब कभी भी आपको ये व्हील लॉक वाले क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको बोला एक सूटकेस है जिसमें तीन व्हील्स हैं, ये तो आपने देखा होगा एक सूटकेस होते हैं जिसमें तीन या चार व्हील्स होते हैं, नंबर लॉक वाले जो सूटकेस आते हैं, है ना, उसमें नंबर स्ट्राइक करो तो वो खुलता है ना। तो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे रिपीटेशन हम अलाउड मान के चलेंगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। एक और एक्सेप्शन है जिसको हम थोड़ी देर में करेंगे। आपको बोला एक सूटकेस है जिसमें तीन व्हील्स हैं, है ना, तीन चक्के हैं जिसमें नंबर्स क्या क्या है, 0 से लेके 9 तक, जो कि हमें मालूम है ना। किसी भी सूटकेस में जो व्हील होते हैं उसमें मोस्टली 0 से लेके 9 तक ये सारे नंबर्स होते हैं। हमें इन नंबर्स को घुमा के किसी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को जब स्ट्राइक करते हैं तो वो सूटकेस खुलता है। यहाँ पे आपको बोला हाउ मेनी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कैन बी मेड टू ओपन द लॉक, मतलब कितने तरीके से वो लॉक नहीं खुलेगा। वेरी गुड, टोटल माइनस वन करेंगे, है ना। माइनस वन क्यों, क्योंकि देखो एक तरीका है जब वो लॉक खुल जाएगा और हमें निकालना है कि कितने तरीके से वो नहीं खुलेगा। तो पहले मुझे निकालना है टोटल कितने तरीके हैं उसके नंबर को स्ट्राइक करने के, है ना। कितने तरीके हमारे पास नंबर को स्ट्राइक करने के लिए, ये हमें कैसे पता चलेगा कि बेसिकली 0 से लेके 9 तक मैं कितने नंबर्स बना सकता हूँ, 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स को यूज करके मैं कितने नंबर्स बना सकता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और, एक तो मैंने बोला था ये क्वेश्चन किसका एक्सेप्शन है, रिपीटेशन का। दूसरा ये एक एक्सेप्शन है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब एक क्वेश्चन कराया था तो बोला था कि जब भी जीरो वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको बोला कि 0, 1, 2, 3 से मैं कितने चार डिजिट के नंबर बना सकता हूं, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट प्लेस में जीरो नहीं भर सकते हैं, तो मैं 3, 3, 2, 1 करता था, है ना। लेकिन ये